अभी इनको कर देंगे अंदर, उसके बाद ये भी लेटेंगे, हम भी जा रहे हैं लेटने। तो अभी आप देख सकते हैं सारे पिल्ले अंदर लेट चुके हैं घर के अंदर कितने मजे में। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। और सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, आज सुबह से मैंने ब्लॉग चालू नहीं किया, तो अभी थोड़ा लेट हो गया, इसलिए थोड़ा लेट ब्लॉग चालू कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी धूप भी निकल आई है। आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी इसलिए सुबह कुछ भी नहीं कर पाए। और आज हम चल रहे हैं कुछ गाँव के ऐसी जगहें दिखाने के लिए जहाँ बहुत ही खतरनाक जगहें हैं और कई गड्ढे अड्डे हैं, आपको लेकर चल रहे हैं। आज हम घुमाएंगे आपको इधर हमारे गांव के जो दूर का नज़ारा है आपको वो दिखाएंगे, और उसके बाद चलेंगे हम अपने दूसरे वाले खेत पर जिसमें पानी कट चुका था कल शाम को। तो आज देखते हैं क्या हुआ, कितना भरा है खेत। तो अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक ऐसा अमरूद का पौधा जिसमें कली में बहुत ही ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं, और अभी लेकर चल रहे हैं आपको। तो अभी आप देख सकते हैं कितने तेजी से अमरूद लगे हुए हैं। अरे हाँ भाई हाँ, एक एक कली में कितने ज्यादा से अमरूद ज्यादा लगे हुए हैं। और एक छोटा सा पौधा है जो हमारे घर पर है ये पौधा। तो आप अमरूद तो देख ही चुके हैं, तो ब्लॉग में कंटिन्यू जुड़े रहें और अभी हम लेकर चलते हैं आपको। तो अभी हम आ चुके हैं इधर खेत साइड, तो अभी हम आपको दिखाएंगे एक जंगल जिसमें बनी थी पुष्पा राज की कॉमेडी वीडियो, जो कि किसी और ने नहीं, वो कि हमने बनाई थी। आप देख सकते हैं इस बगिया में हमने बहुत पहले एक कॉमेडी वीडियो बनाई थी जो कि पुष्पा राज पर थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हुई थी चंदन की लकड़ी की चोरी, जो कि हमारी कॉमेडी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि वो मेरा चैनल पहले वाला डिलीट हो गया इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हम जा रहे हैं इधर खेत की तरफ, आप हमारे सामने एक बंजर सी ज़मीन देख रहे होंगे, अभी लेकर चल रहे हैं हम आपको पास में। आप देख सकते हैं ये जो बंजर सी ज़मीन है, यहाँ कई तरीके के जानवर आ जाते हैं रात रात में। अभी दिन में तो कोई नहीं मिलेगा, पर रात में काफ़ी जानवर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं गड्ढा मुड्ढी बहुत हैं, और हमारे पीछे काफ़ी इधर खेत भी बन चुके हैं, क्योंकि ऐसी बंजर सी ज़मीन इधर काफ़ी डली हुई थी। और इधर जंगली अंगली सुअर रात रात सभी आते हैं इधर, दिन में तो मान लो आदमी पानी आने लगाने आते हैं, तो इसलिए इधर कोई भी जानवर नहीं आ पाता, पर रात में जंगली सुअर भी रहते थे इधर पहले। तो अभी हम उसी खेत की तरफ आए हैं जिस तरफ एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था बहुत ही ज्यादा पानी था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो इधर बहे गए हैं गेहूं, तो इधर ही घूमने आए थे, बताया कि खांध कट गया तो इसलिए इधर आए थे देखने के लिए कहाँ खांध कटा है। तो अभी हम जा रहे हैं उधर खेत की तरफ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये है लिप्टिस का बाग, जो कि बहुत छोटा है, और इधर जिस खेत में हम चल रहे हैं इधर भी लिप्टिस ही लगने को हैं। और एक हमारा ये खेत हमारे पीछे ये भर चुका है, पर इधर से अभी नाली साफ करने को है, अभी वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें समर का पाइप आया था, नहर टूट चुकी थी, इसलिए ये डायरेक्ट खेत में पाइप डाल दिया गया तब भर गया था। इधर आप देख सकते हैं सारे खेत पानी सारे खेत में लग गया है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने खेत पर जिसमें लगने को था पानी, पर नहर के टूट जाने के कारण इसमें पानी नहीं लग पाया। अभी आप देख सकते हैं तो इधर से पानी निकाला गया खेत के लिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा खांध कटा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा खांध हो चुका है इधर, कितनी तेज़ी से पानी चला होगा, शहर का शहर पूरा भसक गया। अभी इसको करेंगे बंद,
अभी हम जा रहे हैं खांध बंद करने के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा खांध है। वाओ, तो फाइनली हमारा जो बड़ा सा खांध है वो क्लियर हो चुका है, बंद हो गया है। अब इधर से पानी नहीं निकलेगा, तो चलो चलते हैं घर के लिए। तो इधर राई में है, वो पानी लग चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हैं। तो अभी हम हैं घर पर, अभी हम कुछ यहाँ बनाने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो प्यार है, अभी हम बताएंगे क्या बनाने के लिए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं हमारे नीचे ये बेजान जानवर, जो कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ये कहीं छिप नहीं पाते, तो इसलिए अभी हम इधर इनके लिए कुछ इस तरीके से प्यार रखेंगे जिसमें ये आराम से अंदर लेट सकें। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं काम, फिर देखते हैं कैसा बनता है। अभी पार्टी बदल लिया साला। पहले भरेंगे थोड़ा सा नीचे प्यार, अभी इसके बाद लकड़ी करना पड़ी है। और क्या ओए को मतलब चला फिर लगू कैसे पिलम कटा दो मर जाएगी। हाँ कैसे बे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। रहते और रहते हैं नीचे 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 तो भैया भैया प्यार पे तो प्यार पे यही यही था पीछे।
बैठे रहे दब 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 दे सारी को चलो 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 अब सही है जय पानी नहीं है भरे या करे बात तो सही है बरसात में दिक्कत नहीं है जने तो भी पूछ बहुत सारा है रे आओ बस भाई घूम रहे थे तो फाइनली हमारी जो है पिल्लों के लिए व्यवस्था हो चुकी है अभी आपको झूठ बोल रहा है आपको दिखाते हैं पास से तो अभी लेकर चलते हैं अंदर देखना काफी जगह है जो कि पिल्लों के लिए इतने में वो आराम से लेटे रहेंगे आप देख सकते हैं काफी अंदर जगह है क्योंकि अभी बरसात का टाइम भी है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी होगी ऊपर से देख सकते हैं पूरी व्यवस्था के साथ उनका जो है रहने का जगह बना दिया अभी हमने तो आप तो जानते ही होंगे कि घर पर जो है काफ़ी तरीके के जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी तो सभी के साथ इनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है क्योंकि यही आगे चलकर काम देते हैं और धरती पर मात्र एक कुत्ता ही ऐसा जीव है जो अपने से ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा इसलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और तो अभी आप देख सकते हैं इसमें पिल्ले भी लेटे हुए हैं कितने मज़े से मस्ती कर रहे हैं अंदर क्योंकि इनको पता चल गया है कि अब हमारी जो शाम की व्यवस्था है सर्दी में वो ख़त्म हो गई है दिक्कत जो कि दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई अब ऐसे ही एंजॉय करके ये लेटेंगे अब देख सकते हैं काफ़ी ढंग से तो अभी हम आए हैं पिल्लों को रोटी डालने के लिए आप देख सकते हैं सिर्फ एक है जो हमने अभी बनाई थी गोकाल उसमें सिर्फ एक है और इधर तीन परे जिसमें कल बनाई थी तो आज सभी को करेंगे उसके अंदर मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल फिर कल से ये सारे के सारे इधर परेंगे अभी बज रहे हैं रात के 8 और ये देखो कैसे आ गए पास में इधर से निकल के आपको दिखाई तो थी गोकाल अभी डालेंगे इनको रोटी उसके बाद हम भी जाएंगे सोने ये भी सोएंगे
आज इस पिल्ले को लग गई थी चोट, तो अभी डीजल डीजल डाल के अभी घूमने लगा है ये दोपहरी में। बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट थी इसको। चलो बंदर, चलो अंदर, चलो। क्या बोला तूने? अभी इनको कर देंगे अंदर, उसके बाद ये भी लेटेंगे, हम भी जा रहे हैं लेटने। तो अभी आप देख सकते हैं सारे पिल्ले अंदर लेट चुके हैं घर के अंदर, कितने मजे में सभी के सभी लेट गए हैं। अब इनको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे जो पिल्ले हैं सारे के सारे अंदर लेटे हुए मस्ती कर रहे हैं। अब इनको ठंड भी नहीं लगेगी, इसलिए इनके लिए ये व्यवस्था मैंने आज बना दी थी। तो फाइनली अभी मैं पिल्ले को, सभी पिल्लों को अंदर करके आ गया हूँ घर पर, रोटी वोटी डालकर भी आ गया हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।